पनाईटी मोदी में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ओडिशा के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी हैं। प्रताप चंद्र सारंगी को उनके सादे जीवन के लिए पहचाना जाता है। कल शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे ज्यादा तालियां प्रताप सारंगी के लिए ही बजी। कभी भिक्षु बनने की चाह रखने वाले प्रताप चंद्र सारंगी को मोदी सरकार में दो मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिली है। उन्हें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री के साथ साथ पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय में भी राज्य मंत्री बनाया गया है। सफेद दाढ़ी, सिर पर सफेद बाल, साइकिल और बैग ही प्रताप चंद्र सारंगी की पहचान है। श्री प्रताप चंद्र सारंगी। मैं प्रताप चंद्र सारंगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के। ये भारतीय राजनीति की सबसे बदली हुई तस्वीर की सबसे बड़ी गवाही है। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में खड़े होकर शपथ लेने वाला ये शख्स एक आम हिंदुस्तानी की कहानी बताता है। मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये जताता है कि कोई गरीब होकर भी, एक साधारण जीवन जीकर भी, बिना पैसे और बिना रसूख के देश का मंत्री बन सकता है। उड़ीसा के बालासोर से चुने गए ये हैं बीजेपी के प्रताप चंद्र सारंगी। सारंगी ने कल मोदी के मंत्रिमंडल में शपथ ली। वो अपनी जननेता की छवि के रूप में जाने जाते हैं और इसकी वजह है उनकी सादगी। सरकारी हैंडपंप पर नहाते, दातुन लेकर लौटते, साइकिल चलाते तो कभी साधना करते। मोदी के नए नवेले मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी की ये तस्वीरें बाकी राजनीतिक तस्वीरों से बिल्कुल जुदा हैं। मैं प्रताप चंद्र सारंगी। और शायद यही वजह है कि जब वो शपथ ले रहे थे तब राष्ट्रपति भवन तालियों की आवाज से गूंज रहा था। मोदी सरकार के इस नेता के साथ न तो गाड़ियों का बड़ा काफिला चलता है, न ही ये किसी आलिशान मकान में रहते हैं और न ही चुनावों में करोड़ों बहाकर संसद तक पहुंचे हैं। यही वजह है कि मोदी के मंत्रिमंडल का सबसे बड़ा सरप्राइज सारंगी को कहा जा रहा है। मुझ जैसा एक सामान्य आदमी पर भरोसा करते हुए, फर्स्ट टाइमर एमपी के ऊपर भरोसा करते हुए नरेंद्र मोदी ने मुझे एक असामान्य दायित्व सौंपा है और उनका विश्वास सफल करने का पूरा कोशिश मैं करूंगा उनके मार्गदर्शन में। इस विभाग का मेरा सहजात प्रवृत्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, सहजम कर्म कौन्तेयो सदोषम अभिनंद। ये भी सहज कर्म है ये मेरे लिए। मैं अगर कम्प्लेक्स लाइफ यापन करने के लिए तो कुछ कोशिश करना पड़ता, साधना करना पड़ता। भगवान ने गॉड वांटेड मैन टू बी सिंपल, नहीं तो भगवान हमको एक आर्टिस्टिक स्किन दे सकते थे। प्रताप चंद्र सारंगी आज भी झोपड़ी में रहते हैं और 542 सांसदों में से सबसे गरीब सांसद हैं। सारंगी 21वीं सदी के ऐसे एमपी हैं जिनके पास अपना मोबाइल तक नहीं है। और सबसे खास बात तो ये है कि सारंगी ने अपना पूरा चुनाव प्रचार साइकिल पर किया। मुझे लगता है संभवतः ये नरेंद्र मोदी की प्रताप है और जनता ने सोचा कि भारत की सुरक्षा के लिए, भारत का सामग्रिक विकास के लिए, माँ बहनों के सम्मानों की सुरक्षा के लिए और युवाओं की आशा को चरितार्थ करने के लिए नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के आवेश में मेरे को जिता दिया होगा। मैं साइकिल में भी जाता हूँ, ऑटो में भी जाता हूँ, मोटरसाइकिल में भी जाता हूँ, गाड़ी में भी जाता हूँ। प्रताप सारंगी को ओडिशा का मोदी भी कहा जाता है। बताया जाता है कि मोदी जब भी ओडिशा आते हैं तो सारंगी से मुलाकात जरूर करते हैं। मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि मोदी और प्रताप सारंगी में जमीन आसमान का अंतर है। लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। थोड़ा बहुत सामंजस्य मिल जाता है तो मोदी से तुलना करना ही अनुचित होता है। इस भारत को कितने ऊंचाई पर मोदी जी ने ले लिया। अरे विश्व दरबार पर भारत का गौरव का कोई तुलना नहीं किया जाता। मोदी जी का अवदान अनन्य, अतुलनीय, असाधारण है। इनके साथ मेरा तुलना नहीं किया जा सकता है। मोदी को हम बहुत श्रद्धा करते हैं। प्रताप चंद्र सारंगी का लोकसभा चुनाव में जीतना भी बड़े चमत्कार से कम नहीं था। प्रताप सारंगी ने बालासोर सीट से एक अरबपति उम्मीदवार को चुनाव में हराया।
और खास बात ये रही है कि बाकियों की तरह चुनाव प्रचार में पैसा बहाने की बजाय सारंगी साइकिल से वोट मांगते रहे। मामूली से घर में रहने वाले सारंगी ने उड़ीसा के दो सबसे रईस उम्मीदवारों को हरा दिया, जिसमें उड़ीसा कांग्रेस प्रमुख का बेटा भी शामिल था। इसलिए सत्ता सत्य की पुजारी बनने के लिए और सत्ता भोग विलास के लिए नहीं, हमारा पार्टी ने हमें यह सिखाया कि नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड सेल्फ लास्ट। मैं इस विचारधारा में प्रेरित हूँ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हमारा मंत्र द्रष्टा है, जो हमें एक सनातन आधारशिला दिया है, उनका एकात्म मानव दर्शन ही मेरा राजनीति में प्रेरणा स्रोत। प्रताप चंद्र सारंगी को राज्य मंत्री बनाया गया है। नई जिम्मेदारी लेने से पहले वो अपने विभाग को पूरी तरह समझना चाहते हैं। इसको सफलतापूर्वक आगे ले जाने की कोशिश करूंगा और इसके माध्यम से जनता की सेवा करने की भरपूर प्रयास करूंगा और ये मेरे लिए एक आनंद की अनुभूति है, क्योंकि ये जिम्मेदारी मेरे को जो मिला, मैं इस पद को कोई विलासिता के लिए भोग सुख के लिए नहीं लेता हूँ, ये मेरे ये पद दायित्व के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी लाता है और यह जिम्मेदारी पूरा निर्वाह करने की मैं पूरा कोशिश करूँ। मैं प्रताप चंद्र सारंगी। प्रताप सारंगी को शपथ लेते देखने के लिए उनके गांव में लोग बड़ी स्क्रीन लगाकर बैठे थे और अपने बीच में से निकले इस शख्स को राष्ट्रपति भवन में खड़े देख गर्व महसूस कर रहे थे। सिर्फ पैसों से चुनाव लड़ने के मिथक को गरीबी और ईमानदारी से सारंगी ने ध्वस्त किया है। करोड़ों खर्च करके अरबों कमाने का जरिया बन चुकी राजनीति में प्रताप सारंगी सादगी के नए हस्ताक्षर हैं। टूटे हुए मकान में अकेले रहने वाले प्रताप कभी साधु बनने वाले थे, मगर सियासत की सादगी के साधक बन गए। देश को उन पर गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजनीति में ऐसे लोग कभी देखते हैं। प्रताप चंद्र सारंगी नई मोदी सरकार के सबसे गरीब मंत्री हैं और आप सोच रहे होंगे कि मोदी कैबिनेट में सबसे अमीर मंत्री कौन है। अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल मोदी सरकार की सबसे अमीर मंत्री है। 52 वर्षीय हरसिमरत कौर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बन गई हैं। लोकसभा चुनाव में दिए गए हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 217 करोड़ रुपए है। वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की बहू और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल की पत्नी है। मोदी सरकार में सबसे कम उम्र की मंत्री स्मृति ईरानी है। 43 वर्षीय स्मृति ईरानी को इस बार कपड़ा मंत्रालय के साथ महिला और बाल विकास मंत्रालय भी दिया गया है। वहीं सबसे ज्यादा उम्र वाले मंत्री रामविलास पासवान हैं। 73 वर्षीय पासवान को फिर से उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय दिया गया है। नरेंद्र मोदी की नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था है। मोदी सरकार को अब अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए GST को और आसान बनाना होगा। विकास दर में तेजी लाने के साथ रोजगार के मौके ज्यादा पैदा करने होंगे। सरकार को आधुनिक प्रत्यक्ष कर कानून को लागू करना होगा। स्टार्टअप के नियमों को आसान बनाना होगा। बैंकिंग व्यवस्था को और मजबूत बनाना होगा। लंबे वक्त से लटके हुए रणनीतिक विनिवेश को फिर से शुरू करना होगा। तेल आयात पर कम से कम निर्भर रहने के लिए नई रणनीति बनानी होगी। 400 शहरों में सिटी गैस प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा। तेल और गैस उत्खनन में निवेश बढ़ाना होगा। टेलीकॉम क्षेत्र में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड और इंटरनेट नेटवर्क को बढ़ाना होगा। तो DNA में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और जीवन में मुश्किलें आए तो हार मत मानिए, उनका मुकाबला कीजिए। जीत आपकी ही होगी। नमस्कार।